ये निमोटिक बॉक्स है, ये सब प्लांटों में रहता है, CP30 एमोन और 1.5 MQ हो या 2.5 MQ प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, सब प्लांटों में ये निमोटी बॉक्स लगता है। ये लुब्रिकेशन है, इसमें ऑयल पड़ता है, 32 नंबर ऑयल डालते हैं, और ऑयल 32 ना हो तो 20W40 इसमें डाल सकते हैं। और ये एयर के लिए है, फिल्टर है ये, जैसे एयर जाती है तो एयर से जो फिल्टर का काम रहता है पानी निकालना, और ये रेगुलेटर है ऊपर, इसका काम रहता है रेगुलेटर का, इसको मतलब ये जो घड़ी लगी है इस एयर को सेट किया जाता है रेगुलेटर, इसको दबा के और थोड़ा दबा के और इधर उधर करेंगे, यहीं से सेटिंग होती है इसकी। और ये लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन में ऊपर ये काली सी जो लगी हुई है ये ऑयल सेटिंग की है। अगर ये जैसे इसको घुमाएंगे, पहले बंद कर लो, इसको बंद करके और 1, 2, 3, 3-4 बार खोल दो इसको, बस इतनी रहना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो ऑयल जाएगा नहीं इनमें, सोनेट वाल वगैरह सिलेंडर में ऑयल नहीं जाएगा तो सिलेंडर सोनेट वाल सब खराब हो जाएंगे। मेन काम है ये सेटिंग रहती है, ये बहुत ज़रूरी, सब प्लांटों में रहती है, मैंने बहुत जगह देखा बंद रहता है बिल्कुल ये, तो इसको खोल के रखना चाहिए, थोड़ा सा जरूर खोलना चाहिए, 3-4 चूड़ी इसकी खोलना चाहिए जिससे ऑयल जाता रहे सिलेंडर वगैरह में। और ये सोनेट वाल है, सोनेट वाल ये कैसे पता करें खराब हो गया, ये सोनेट वाल लगे हैं, जैसे ऊपर प्लांट में जब वाटर या सीमेंट कोई चीज़ का है, जब ऊपर से नहीं लेता, एग्रीगेट है ऊपर से नहीं ले रहा है और नीचे सोनेट वाल से दबा के ले रहा है, तो जानो सोनेट वाल फिर खराब है। सोनेट वाल अगर डायरेक्ट दबा के यहाँ से ले रहा है तो फिर सोनेट वाल खराब है। ये सोनेट वाल लगे हुए हैं सारे, ये एग्रीगेट के हैं ये वाले, ये सेटिंग वाले, जो इससे सेटिंग भी एग्रीगेट की होती है, ये इसको कम ज़्यादा एयर कर सकते हैं, जैसे गेट अगर स्लो खुल रहा है तो प्रेशर से सेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेल एल्बो है, ये लगी हुई है, और ये नीचे एडमिक्चर का लगा हुआ है, और ये सिलेंसर लगे हुए हैं दो, इनको साफ करते रहना चाहिए, इनको साफ करना चाहिए, नहीं तो फिर पानी कभी ज़्यादा लेगा कभी कम लेगा, तो इसको पेट्रोल से साफ कर लेना चाहिए ये दो को,